हेलो अभी वन वेलकम टू एडोएथिक्स और अब हम करने वाले हैं क्लास नाइन बायोलॉजी चैप्टर वन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एडवांस लेवल में है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर हम बात करें प्लास्टिक्स की तो प्लास्टिक्स के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि प्लास्टिक्स जो है ये एक डबल मेमरेंड ऑर्गेनली है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली है सेमी ऑटोनॉमस क्यों है क्योंकि ये डबल मेमरेंड है इसके पास खुद का सेवेंटी एस टाइप प्राइगोजोम है खुद का नेकेट डी एन ए है एंड इट इज़ ऑल्सो डबल मेमरिन ऑर्गेनली ठीक है तो इसलिए प्लास्टिड हमारी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है और ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है एनिमल्स में ये नहीं पाई जाती एंड वी हैव ऑल्सो सीन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हमने टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में भी बात करा था लाइक like हमने क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट ल्यूक्यो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था राइट right? तो इतना डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में हम जो मेन पॉइंट है प्लास्टिक्स के बारे में जो खास बात है वो जानेंगे और प्लास्टिक्स के खास बारे में खास बात ये है कि प्लास्टिक्स जो है दे आर इंटरचेंजेबल दे आर इंटरचेंजेबल ठीक है यानी ये अपने एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो सकता है इंटरचेंजेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टोमेटो की तो टोमेटो जो है ये इनिशियली ग्रीन कलर का होता है जो यंग टोमेटो होता है यंग टोमेटो जो है वो इनिशियली कौन से कलर का होता है ग्रीन कलर का होता है ग्रीन कलर का क्यों होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्या है क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड जो कि एक ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल ठीक है तो इस वजह से जो यंग टोमेटोज हैं उनका कलर ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट और जैसे ये टोमेटो राइप हो जाता है राइपन हो जाता है टोमेटो ठीक है जब यंग टोमेटो जो है वो राइप हो जाता है यानी वो अपनी एडेबल मेच्योरिटी में पहुंच जाता है तो उसका कलर रेड हो जाता है कैसा कलर हो जाता है रेड हो जाता है रेड क्यों हो जाता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपने आप को इंटरचेंज कर लेता है या फिर आप कह सकते हैं कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कौन से टाइप का प्लास्टेड है क्रोमोप्लास्ट वो टाइप का प्लास्टेड है जो कि कलरफुल होता है ठीक है इट इज अ काइंड ऑफ कलरफुल प्लास्टिड जो कि प्लांट्स को फ्रूट्स को या आप कह सकते हैं फ्लावर्स को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करता है वाइट बहुत सारे कलर्स प्रोवाइड करता है क्रोमोप्लास्ट ठीक है सो क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट दे आर द टाइप्स ऑफ इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड ठीक है तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो प्लास्टेड है वो अपने एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो सकता है प्लास्टेड आर इंटरचेंजेबल ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं अगर हम बात करें ग्रीन चिली की ग्रीन चिली कोर्स नाम से पता चल रहा है ग्रीन कलर की होती है इनिशियली और आपने रेड चिली भी देखी होगी तो ग्रीन चिली जो अपने एडिबल मेच्योरिटी एडिबल मेच्योरिटी नहीं कह सकते हैं बेसिकली हम कह सकते हैं कि ग्रीन चिली जो है वो राइप हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है रेड चिली में लाल रंग की हो जाती है लाल मिर्च राइट क्यों हो जाती है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में ठीक है एक और दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीओप्लास्ट एटियोप्लास्ट क्या है देखिए, क्लो एटियोप्लास्ट क्लोवो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि लाइट में एक्सपोज नहीं होते हैं ठीक है एटियोप्लास्ट आर द क्लोरोप्लास्ट दे आर क्लोरोप्लास्ट दैट नॉट Been exposed, ठीक है टू लाइट फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक प्लांट है एक छोटा सा प्लांट है एंड आपने उसको बहुत सेवरल डेज तक आपने उसको डार्क में रख दिया आपने, आपने उसको अंधेरे में रख दिया आपने कोई उसको लाइट सनलाइट कुछ नहीं दी आफ्टर सम टाइम वेन यू विल ऑब्जर्व कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो गया है इन टू एटायोप्लास्ट एटीओप्लास्ट ठीक है जो क्लोरोप्लास्ट है

आपने देखा होगा कि माइटोकॉन्ट्रिया या क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिक ये दो तो ऐसी ऑर्गेनली है जो कि सेमी ऑटोनॉमस है और ये बहुत ज़्यादा डीएनए से रिजेंबल करती है ठीक डीएनए सॉरी न्यूक्लियस से रिजेंबल करती है ठीक है डीएनए गलती से बोल दिया माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक ऐसी ऑर्गेनलीज हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस से रिजेंबल करती है ठीक है माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली कहते हैं सेमी ऑटोनोमस, ऑर्गेनली इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली इसलिए कहते हैं बिकॉज़ इट हैज़ इट्स ओन डीएनए इट हैज़ इट्स ओन द राइबोसोम 70s टाइप राइबोसोम एंड इट हैज़ आल्सो डबल मेम्ब्रेनली ऑर्गेनली दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज़ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली राइट अब ऐसा कहा जाता है ऐसे मतलब थ्योरी है कि माइटोकॉन्डियो प्लास्टिड्स जो है दे मे हैव बीन अ प्रो कैरियोटिक सेल राइट यानी बहुत पहले के टाइम पर ये माइटोकॉन्डियो प्लास्टिड जो है ये किसी प्रो कैरियोटिक सेल से ही एवॉल्व हुई हैं दे आर एवॉल्व फ्रॉम अ प्रो कैरियोटिक सेल यानी कि जो हमारी माइटोकॉन्डियोल प्लास्टिक है ये पहले कभी कोई प्रोकैरियोटिक सेल रहा करती होंगी और फिर बाद में किसी यूकैरियोटिक सेल ने इनको एनगल्ल्फ कर लिया होगा राइट एनगल्फ कर लिया होगा एंड देन ये एक पार्ट बन गई ऑफ यूकैरियोटिक सेल आप कह सकते हैं कि ये एक यू नो ऑर्गेनरी बन गई ऑफ दैट यूकैरियोटिक सेल ठीक है तो बेसिकली दे मे हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम अ प्रोकैरियोटिक सेल बट दे बिकेम अ पार्ट ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल राइट तो ऐसी एक थ्योरी है आई डोंट नो ये सच है या गलत है बट एक्चुअली ये मतलब सच ही मानी जाती है ठीक है तो माइटोकॉन्डियो प्लास्टिड्स दे मे हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम अ प्रोकैरियोटिक सेल ठीक है सो आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे अबाउट प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्डियो प्लास्टिड के बारे में हमने देखा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुई है सो आई होप आपको ये पॉइंट्स यूजफुल लगे होंगे फॉर और कॉम्पिटिव एग्जाम थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू